नमस्कार, अपन खड़ में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। आप खड़ों की ओर रुख करते हैं। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर, खसरा और रूबेली का टीका लगने पर 50 से अधिक स्कूली बच्चे हुए अस्पताल में भर्ती। वारिसनगर प्रखंड के कुसैया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुखपुर में खसरा और रूबेली का टीका पड़ते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गया। सुई लगने वाले किसी बच्चे को ठंड लग रही थी तो किसी को गर्मी और किसी को चक्कर आ रहा था। स्कूल के शिक्षक ने ग्रामीणों की मदद ली और बच्चों को वारिसनगर PHC में इलाज के लिए भर्ती कराया। करीब 50 से अधिक बच्चे हैं प्रभावित। वारिसनगर PHC सूचना पर SDO और थाना पहुंची। वारिसनगर से डी न्यूज के लिए श्रवण कुमार की रिपोर्ट। बच्चों में फियर हो गया है, डर के माहौल से ऐसे थोड़ा घबरा गए बच्चे, और कोई बात नहीं। अच्छा, तो कुछ बच्चे बेहोश भी है सर? तो बेहोश नहीं, डर के मारे बच्चे थोड़ा सा वो हो गया। आप सब बच्चे सामान्य है, सबका पल्स BP सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुल कितने बच्चे आए हैं सर? 2, 3, 4 कितना बच्चा है? 10 11 6 बच्चे। ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि बहुत ही है, थोड़ा सा चक्कर करा है तो आप है ये कि 150 के करीब को सुई पड़ा है, उसमें से 5-6 बच्चा बेहोश हो गया है। अच्छा, वो किस चीज़ का सुई पड़ा था? ये चेचक का सुई, जो आपका अभी जो चल रहा है खसरा रूबेला वाला। अच्छा, लगभग कितना बच्चा आया बेहोश होकर के? 500-600 है। और जैसे एक बच्चा हुआ, माँ बाप भी रोने लग गया, रिएक्शन नहीं है किसी भी पितर का, रिएक्शन लाइक फेंट करके एक बच्चा हुआ, दूसरा तीसरा चौथा बच्चा डर से बच्चे। तो किस विद्यालय से बच्चे आए हैं सर? ये मध्य विद्यालय है सुखपुर है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुखपुर है ना। और कुल कितने बच्चे आए हैं सर? छः सात बच्चे हैं अभी, 6 हैं, 4-5 आ रहा है। ठीक है, और इससे पहले भी हम लोग दिए हैं किसी बच्चे को। पहला स्कूल है जो इस तरह से हुआ है, पहला स्कूल है। हम लोग शनिवार को भी बहुत सारा स्कूल में दिए हैं, किसी तरह का कंप्लेंट किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया। इन्हीं के बगल में कुसैया स्कूल है मध्य विद्यालय, शनिवार को पढ़ा है। वहाँ प्रमुख जी वगैरह भी गए हुए थे उद्घाटन में, तो वहाँ किसी तरह सारा बच्चा सब ठीक है। यहाँ बस एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा फेंक करके रोने धोने लगे और हैवोक जा रहे हैं। लगभग कितने बच्चों को सुई पड़ा था सर? 150-250 के ऊपर चुका था। समस्तीपुर पूसा और कर्पूरी ग्राम के बीच चलती ट्रेन से गिरा युवक, ग्रामीणों ने की मदद। रेलवे लाइन के किनारे दर्द से कराह रहा युवक चलती ट्रेन से गिर गया। इस घायल युवक को कराहते देखकर गांव वाले पास गए और समस्तीपुर स्टेशन की ओर जाने वाली माल ट्रेन को लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन को रोका और घायल युवक को समस्तीपुर रेलवे डॉक्टर के हवाले करने के लिए ड्राइवर से कहा। सोनपुर कंट्रोल से बात हो गई है, गार्ड साहब के ब्रेक में आप लोग मिलकर इसको लदवा दीजिए, कर्पूरी ग्राम स्टेशन थ्रू मिलेगा और समस्तीपुर में उचित इलाज हेतु भेजा जाएगा। ये सब सोनपुर कंट्रोल विशेषर राय जी बताए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, लोको पायलट। राष्ट्रीय जनता दल शिवाजीनगर प्रखंड कार्यालय का फीता काटकर आज से शुभारंभ हुआ। रोसड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कार्यालय शिवाजीनगर का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पर झंडा तोलन भी किया। शिवाजीनगर प्रखंड से डी न्यूज के लिए राज किशोर पासवान की रिपोर्ट। लालू यादव, लालू यादव, राहुल गांधी।
आग से बचाव का तरीका बताया रोशा शहर स्थित दिलीप टेक्निकल कॉलेज में दमकल विभाग ने। समस्तीपुर जिला के रोशा शहर स्थित दिलीप टेक्निकल कॉलेज में दमकल विभाग ने छात्र छात्राओं को आग लगने और उससे बचाव के तरीके बताए, ताकि देश में हर साल आग से जहां लाखों की संपत्ति नष्ट हो जा रही है, वहीं कई हजारें जान भी इसके चलते समाप्त हो जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आग न लगे और आग लगे तो इसमें न्यूनतम नुकसान हो, इससे बचाव के कई तरीके बताएं। रोसा से डी न्यूज के लिए राज किशोर पासवान की रिपोर्ट। बर्बादी उसको हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए है कि हम लोग को पहले से ही मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार हैं। उस वक्त चूंकि जब किसी भी तरह की सिंह थाना क्षेत्र के बसौली में बस पलटी, एक दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। सिंह थाना क्षेत्र के बसौली पोखर के पास तेज रफ्तार से आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।